Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and another vlog. तो आज की जो वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है नॉटी बैंड पार्क से, और आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं, गर्मी थोड़ी कम हो रही है, इसलिए हमने सोचा हम एक छोटी सी राइड पे जाएं। और आज मेरे साथ राइड पे जा रहा है मेरे मामा का लड़का अभिषेक, जो कि मेरे पीछे बैठा हुआ है, और हम जा रहे हैं ये नॉटी वाली रोड पर। और ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि कहाँ जाना है, और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस राइड पे। आप लोग वीडियो में बने रहो, कुछ इंटरेस्टिंग दिखने वाला है आपको आज, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो और हमारे साथ वीडियो में आगे बने रहो। तो अभी यहाँ पे की रोड काफ़ी ज़्यादा पतली है, और एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ खड़ी चट्टाने हैं, और बरसात के बाद काफ़ी हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है इधर। और सामने है घटगाड़ पुल, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। बरसात के बाद ना चारों तरफ हरियाली हरियाली हो जाती है, इसलिए काफ़ी अच्छा लगता है। और ये देखो, ये है हमारा घटगाड़ पुल, क्योंकि नीचे की तरफ पहले यहाँ घट थी इसलिए इसको घटगाड़ बोलते हैं, और यहाँ कई बार नहाने भी आते हैं बच्चे वगैरह। और ये देखो कितनी हरियाली वगैरह हो रखी है आजकल यहाँ, और मौसम भी अभी ठंडा ठंडा हो रखा है, ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। तो अभी हम पहुँचने ही वाले हैं ईड़ा बधाणी गांव, जो कि नंदा देवी राज जात का पहला पड़ाव है। तो ये है ईड़ा बधाड़ी गांव जाने का गेट, और यही नंदा देवी राज जात का पहला पड़ाव है। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था तो बस यहीं आगे पे तक आया था, और इस बार मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आगे जाने का, लेकिन थोड़ा यहाँ पे रुकेंगे, फ़ोटो वोटो लेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। और व्यू चेक करो, कितना बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ पे। तो अभी यहाँ से नॉटी लगभग 10 किलोमीटर दूर है, और हमारा ऐसे ही मन बना तो हमने सोचा नॉटी तक ही चले जाते हैं। और देखो अब आगे से व्यू बहुत बढ़िया आने वाला है, और मैं आज तक एक या दो बार ही आया हूँगा, इससे ज़्यादा कभी नहीं आया। और यहाँ पे रोड थोड़ा ख़राब है, शायद आगे अच्छी रोड मिले हमें, और रोड पे काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे भी हो रखे हैं, और वो तो बस मौसम साथ दे दे बाकी देख लेंगे, और तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ। मेरे ख्याल से यहाँ रोड पे काम चल रहा है इसलिए थोड़ा ख़राब है। ये देखो कितने बड़े बड़े बम्प आ रहे हैं यहाँ पे, गाड़ी ऐसे उछल रही है। और अभी हल्के फुल्के बादल लगे, और कहीं कहीं पे थोड़ा मौसम भी खुल सा गया है, और देखते हैं आगे क्या होता है। बारिश वगैरह होगी तो वापस भी आ सकते हैं हम आधे रास्ते से, लेकिन मौसम देखो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, 50-50% चांस हैं। और यहाँ पे का जो व्यू है ना बहुत ही बढ़िया व्यू है, ऐसा लग रहा है हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं। यहाँ से सारे पहाड़ छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, और देखो नीला नीला आसमान और हरियाली हरियाली हो रही है चारों तरफ। देखो छोटे छोटे पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब हम काफ़ी टॉप पे आ गए हैं। तो अभी एक दो किलोमीटर पीछे हल्की बूंदाबांदी होने लग गई थी, और हम सोच रहे थे कि वापस घर चले जाएं, लेकिन हमने कहा थोड़ा ही दूर रह गया नॉटी, 1 किलोमीटर दूर, तो हमने सही फैसला लिया। और यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, पीछे तो ऐसा लग रहा था कि अब भी हो जाएगी मोटी बारिश, लेकिन हुई नहीं। यहाँ आके पता चला कि मौसम देखो साफ़ होने लग गया है, और काफ़ी बढ़िया भी हो गया है। और हम पहुंच ही गए नॉटी,
और यहाँ पे से थोड़े आगे है नोटी मार्केट, और ये है पूरा, यहाँ से पूरा नोटी मार्केट लग जाता है। और अभी हम एंटर हो रहे हैं नोटी मार्केट में, और ये पूरा नोटी का मार्केट है। तो अभी गाड़ी रोकेंगे और पहले कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग गई है और टाइम भी 12 बज गया है। तो अभी यहीं कहीं पे बाइक रोकते हैं, तो उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे। तो अभी हमने ऑर्डर किया मोमो और चाउमीन। तो अभी हम होटल में हैं और ऐसी हालत में आ रहा है कि हम यहाँ घूमने के लिए और भी चेक कर रहे हैं। खाने पीने के बाद हम निकलते हैं घर के लिए, और मौसम भी थोड़ा बारिश का हो रहा है। चलो अब चलते हैं और अब नीचे मिलेंगे डायरेक्ट। तो अभी हम थोड़ा आगे निकल गए थे और सडनली हमारा प्लान बन गया कि हम नंदा देवी मंदिर जाते हैं। और हमने किसी से रास्ता पूछा तो उन्होंने कहा मार्केट से थोड़ा ही पीछे से जाता है वहाँ का रास्ता। और हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था घर से सोचा हुआ कि हम नंदा देवी मंदिर जाएंगे, लेकिन यहाँ आते ही हमने जब कहा कि नौटी आए हैं तो मंदिर भी चले जाते हैं। और मंदिर जाने का रास्ता मेरे ख्याल से यहीं से है, यहाँ पे से नीचे, और थोड़ा ही होगा, 1 आध किलोमीटर दूर बस। और देखो मौसम क्या बढ़िया हो रखा है और बादल काफ़ी लगने लग गए हैं। तो टाइम पे पहुंचते हैं मंदिर और टाइम पे वहाँ से घर निकलने। तो अभी यहाँ पे से न्यूट्रल कर देते हैं बाइक को, और शायद यहाँ बहुत सारे घर हैं, इधर की साइड तो कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो अभी हमारा मूड बना और हम आ गए हैं नंदा देवी मंदिर, और थोड़ा आगे चले गए थे फिर वापस आए। और चलो अब अंदर चलते हैं मंदिर में और दिखाएंगे आपको। ये दिख रहा मुझे यहाँ से। और अभी गेट पे तो बंद था, उन्होंने कहा इधर से घूम के आएंगे। ये देखो तो ये है गेट। Thank you.
तो अभी हम आ गए हैं नंदा देवी माता के मंदिर, जो कि नोटी में है, वहाँ आ गए हैं। और वो सामने वाला गेट बंद रहता है, तो ये मेरे ख्याल से वो नंदा रात देवी जात के मंदिर है। टाइम पे ही खुलता है। और ये है माता का मंदिर, और यहाँ का जो व्यू है ना, बहुत ही सुंदर व्यू है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो व्यू है बहुत ही सुंदर व्यू है, और ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। और अभी मैं आपको मंदिर के चारों तरफ का व्यू भी दिखाऊंगा और मंदिर भी दिखाऊंगा पूरा। बाकी आप लोगों को मालूम ही होगा कि कितना फेमस मंदिर है यहाँ पे का नौटी का। और यहीं पे माता का एक चित्र भी बना हुआ है, और जो खाड्डू होता है, चार सिंह वाला खाड्डू होता है, उसका भी बना हुआ है। और ऊपर जो वो छतोली होती है, उसका भी चित्र पूरा बना हुआ है, पूरे तरीके से दिखाया हुआ है। जा रहे हैं यहाँ से घर के लिए, और काफ़ी अच्छा मंदिर था ये माता नंदा देवी, और जिसकी सबसे बड़ी पैदल यात्रा होती है 12 साल में एक बार। और तो अभी हम आए थे नोटी, अब हम जा रहे हैं घर के लिए। और ज़्यादा कुछ पता नहीं है मुझे इसके बारे में, अगर आप लोगों को मालूम है तो आप लोग कमेंट में लिखो और बताओ मुझे। और ये हम अचानक, देखो हमारा बुलावा था इसलिए हम अचानक आए, और हम तो चले भी गए थे घर, फिर पता नहीं क्या मूड बना और वापस आ गए हम। और लोग हरियाणा से, सॉरी चंडीगढ़ से, हिमाचल से, ये देखो हिमाचल की गाड़ी, चंडीगढ़ की गाड़ी, तो लोग बड़ी दूर दूर से आए हैं मंदिर के दर्शन करने। तो भाई इतने दूर से आए हैं तो कुछ ना कुछ खासियत तो होगी मंदिर की। और यह है पीछे मंदिर का गेट, लेकिन जब भी आप आओ तो उधर से जाना जो मैंने दिखाया आपको, यहाँ पे से पैदल जाना। ये तो बंद है, पीछे वाला गेट खुला है। तो अब चलते हैं घर के लिए फटाफट से, क्योंकि बारिश का मौसम भी हो रहा है और भीगना नहीं है इतना ज़्यादा, इसलिए टाइम पे निकलते हैं। एक्सीडेंट हो रहा है, तो अभी हम पहुंचने ही वाले हैं मेन रोड पे, और मार्केट से भी थोड़ा ही दूर रह गए हम। तो अब निकलते हैं घर की ओर टाइम पे, क्योंकि मौसम भी थोड़ा ख़राब सा हो रहा है, गर्मी भी हो सकती है और बारिश भी हो सकती है, कोई भरोसा नहीं, इसलिए टाइम पे घर निकलते हैं। फाइनली घर पे पहुंच गए, और हालत देखो कितनी ख़राब हो रही है, और गर्मी से क्या ही बोल रहे, पर ऊपर ठंडा था जब बाइक चल रही थी ना, काफ़ी ठंडी हवा आ रही थी और मज़ा आया। तो वही आज का यही था, जब तक भगवान का बुलावा नहीं रहता तब तक हम उनके मंदिर में नहीं जा सकते हैं। हमको बुलावा आया इसलिए हम फट से चले भी गए और दर्शन भी हो गए। तो यार वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और जल्दी मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो। ओके बाय बाय।